अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पे ना बस हम लोग सोकर उठे हैं, सुबह का टाइम है और मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया क्योंकि ये रात में ना मेरे हस्बैंड लेकर आए थे, उनके किसी फ्रेंड ने गिफ्ट दिया है, अमायरा के लिए भेजा है। तो रात में ही सो चुकी थी और मैं भी नींद में थी तो मैंने नहीं देखा था। सुबह सामने रखा था तो बस इसने जल्दी से ज़िद कर ली खोलने की, तो मैंने खोला तो ये ठंड का ड्रेस था इसका, तो प्यारा लग रहा था, पिंक कलर है तो अच्छा लग रहा था। तो खैर अमायरा को भी पसंद आया, ये तुरंत पहन भी ली थी, पहन कर दिखा रही थी लेकिन ढीला था। उसके बाद ना फिर हम लोगों ने बस आज नाश्ता भी नहीं किया है, तो हम लोगों ने सिर्फ 5 बादाम, मैं सुबह खाती हूँ तो बस 5 बादाम खाए और 2 अखरोट खाकर गर्म पानी पीकर हम लोग निकल गए थे। तो यहाँ पे नाश्ता नहीं किया था क्योंकि हम लोग जाने वाले हैं शॉपिंग करने के लिए और मेरे हस्बैंड के पास टाइम बहुत कम होता है। तो प्रॉब्लम सारी यही है कि मेरी एक फ्रेंड है और उनकी बच्ची हुई है अभी, तो 3-4 दिन हुए हैं उनकी बच्ची को, तो बस उनके यहाँ ही जाना था। तो इसलिए मैं सोची कि खाली हाथ अच्छा नहीं लगेगा तो मुझे थोड़े से उसके लिए कपड़े ले लेने चाहिए। तो मुझे कपड़े लेने थे तो मैं सुबह सुबह आज निकल गई कि चलें कपड़े ले लेते हैं। तो यहाँ पर ना हम लोग टाउन हॉल जहाँ पर शॉप वगैरह है तो वहाँ पर हम लोग गए हुए थे, लेकिन ना यहाँ पर इतनी मुश्किल से पार्किंग मिलती है कि मैं बता नहीं सकती। करीब आधा घंटे से ज़्यादा मुझे यहाँ पर लग गया था। मैं परेशान थी कि कब इन्हें पार्किंग मिलेगी, क्योंकि ना शॉपिंग इतनी जल्दी नहीं होती है कि बस मैं शॉप पे गई और बस कपड़े ख़रीद के ले आई, तो उसमें टाइम लगता है। तो खैर बहुत देर बाद यहाँ पे पार्किंग मिली और यहाँ पर ना मेरी यादें ताज़ा हो गई थी। जब मैं फ़र्स्ट टाइम आई ना, लास्ट ईयर जब मैं आई थी यहाँ पर, तो सबसे पहले दफ़ा मैं यहीं पर आई थी, यहीं पे आगे जाके मेरा होटल था, मेरा रूम था, तो वहाँ पर मैं उतरी थी। तो डेली मैं यहाँ पर ना नाश्ता करने के लिए आती थी, तो वहाँ पर मुझे देख कर ना मुझे यादें ताज़ा हो गई मेरी, कि मुझे सब याद आने लगा था। तो खैर यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं शॉप के पास। तो यहाँ पर ना जो इस शॉप में गए तो यहाँ पर बच्चों का नहीं था, तो बहन के लिए जीन्स देखने लगी थी हस्बैंड के लिए, तो खैर मुझे पसंद नहीं आई। तो यहाँ पर जीन्स मुझे पसंद नहीं आई थी तो फिर और कुछ लेना नहीं था, तो यहाँ से मैं बाहर निकल गई थी। तो बस जीन्स ही देखनी थी और जीन्स मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। तो खैर फिर मैं ना यहाँ पर एक शॉप थी बच्चों की थी, तो यहाँ पर मैं गई, बच्चों की और शॉप मुझे मिल नहीं रही थी तो सिर्फ ये एक शॉप मिली, तो यहाँ पर मैं गई। तो मुझे ना कपड़े इतने महंगे लगे, इतने महंगे, और महंगे अगर हैं तो अच्छे भी होने चाहिए तो बंदा ले ले, अच्छे नहीं थे और महंगे बहुत थे। तो ये करीब जो ये फ्रॉकें लगी हैं ना, बिल्कुल कॉटन की, एकदम हल्के कपड़े की थी और थी 60 यूरो 70 यूरो की, 50-60 यूरो इस टाइप की थी, लेकिन इस रेंज की फ़्रॉक और लग ही नहीं रही थी कि वो इस रेंज की है, तो मुझे नहीं पसंद आई थी। तो खैर हम लोगों ने बहुत सारे फ्रॉक देखी और चीज़ें देखी, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आई, रेंज को देखते हुए ना तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। खैर हम लोग यहाँ पर घर भी आ चुके थे, तो यहाँ पर ना मेरे हस्बैंड मेरे लिए लेकर आए थे मकैया, और इसे क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, तो ये मकैया है, मैं इंडिया में खाती थी बहुत शौक़ से, तो ये मेरे लिए लेकर आए। और यहाँ पे तुरइयां लेकर आए थे तो मैं तुरइयां काटने लगी, तुरई शायद बोलते हैं इसे। तो अच्छा मैं ना अभी लास्ट टाइम इसकी मैंने वीडियो भी अपलोड करी थी, इसकी रेसिपी, मुझे तुरई की सब्ज़ी अच्छी लगती है और भिंडी अच्छी लगती है, पालक अच्छी लगती है, तो मैं नाश्ते में ना ये बना कर रख लेती हूँ सब्ज़ियाँ। तो नाश्ते में ना मैं किसी दिन आप लोगों को अपनी रूटीन शेयर करूँगी व्लॉग्स में, तो मैं नाश्ते में ना एक रोटी और सब्ज़ी ज़रूर खाती हूँ। ये मैंने कुछ दिन पहले ही स्टार्ट किया है, पहले तो मैं जब से यहाँ पर आई हूँ ना, पहले मैं इंडिया में थी तो मैं नाश्ता करती थी, सुबह एक रोटी ज़रूर खाती थी, लेकिन जब से मैं यहाँ आई थी तो मेरा मन ही नहीं करता था अकेले। तो खैर ये शाम का मैंने यहाँ पे थोड़ा शूट किया, मैंने यहाँ पे सेटिंग चेंज करी अपने रूम की, तो पूरी रूम की सेटिंग चेंज कर दी है। पहले ना तो यहाँ से मेरे रूम में इंटर होते हैं और ये मैंने बेड बीच में कर दिया है, इधर ड्रॉ और एक ड्रॉ उधर है, तो ये मेरा गिरा हुआ है तो मैं इसे रख देती हूँ।
तो यहाँ पर ना बेड जो था मेरा एकदम किनारे पे था, लास्ट में मैंने लगा दिया था, तो इसे मैंने बीच में कर दिया है। और उधर मैंने अटैचियाँ वगैरह थी, सूटकेस, मैंने वो अपनी सास के रूम में रख दिया। और यहाँ पे इतनी जगह बना ली मैंने जानमाज़ के लिए कि ताकि मेरी जानमाज़ अच्छे से यहाँ पे बैठ जाए और मैं नमाज़ पढ़ सकूँ। वरना ये साइड में था, और मेरे हस्बैंड फजर में क्या होता था ना, वो लेटे रहते थे और मुझे नमाज़ पढ़नी पड़ती थी, क्योंकि उनको उठाते उठाते ना बहुत लेट हो जाता है, वो थोड़ा लेट में ही उठते हैं नमाज़ पढ़ने, और मैं तहज्जुद से उठ जाती हूँ, तो इसलिए ना मुझे नमाज़ पढ़नी पड़ती है और वो लेटे रहते हैं, तो इसलिए मैंने बेड को बीच में कर दिया। थोड़ी काफ़ी दिन बाद थोड़ी सेटिंग चेंज हुई है ना, तो रूम भी अच्छा लग रहा था मुझे, काफ़ी दिन हो गए थे सेटिंग चेंज नहीं हुई थी, तो अच्छा लगता है कभी कभी रूम की सेटिंग चेंज करते रहे। तो अच्छा, यहाँ पर ना सुबह मैं उनके घर जा रही हूँ अपने फ्रेंड के यहाँ, तो मैं लाकनाडा जाऊँगी, वहाँ पर HM है, तो वहाँ से शॉपिंग कर लूँगी, वहाँ का मुझे फिर भी ठीक लगता है, प्राइस के देखते ना सामान भी ठीक होता है, और यहाँ पर प्राइस के देखते मुझे सामान बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो बस यही था। और यहाँ पर मैंने नया नया अभी अपनी बेटी के डायपर छुड़ाई है, तो इसलिए मैं इसके 2-3 जोड़े कपड़े रख लूँगी, और उसे ब्लू कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये ज़िद करके मुझसे ये ब्लू कलर इसने निकाला है, और इतना इस वक्त रो रही थी तो मैंने इसकी वॉइस यहाँ पर बंद कर दी है, तो बहुत रो रही थी कि मैं ब्लू ही पहनूँगी, तो पता नहीं कैसे ब्लू बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे ना मैंने इसके लिए 2 ड्रेसेस निकाल लिए, एक ये ड्रेस और एक वो जीन्स और टॉप मैंने रख लिया है, ताकि वहाँ पर ना पता नहीं अगर बाई चांस ऐसा हो कि इसका सोसो छूट जाए, तो मैंने पहले से रख लिया है कि, और ये मेरा ड्रेस है, ये मैं पहन रही हूँ। तो अभी तो मेरे क्या है ना कि इंडिया से मेरा पार्सल आ जाता है, तो मेरे कपड़े आ जा रहे हैं, तो करीब मुझे 1 साल हुआ है आए हुए, और मेरा इंडिया से 2 बार पार्सल आ चुका है, तो ये मेरी अम्मी ने मेरे लिए भेजा था, तो कुर्ती और ये नेट का दुपट्टा है, गोल्डन वर्क है इस पर, और इसकी सिल्क पे बैंड है, और शियॉन की ये कुर्ती है। तो मैं अभी तो इंडिया के ही कपड़े पहन रही हूँ, बाद में देखती हूँ क्या होता है। मेरी इंशाल्लाह कोशिश तो यही रहेगी कि मैं इंडिया के ही कपड़े मंगा कर पहनूँ, क्योंकि मुझे अपने वहीं के कपड़े अच्छे लगते हैं, यहाँ के बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। अच्छा, लॉन्ग फ्रॉक की होती है पहन सकते हैं, लेकिन बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, प्रिंट अच्छी नहीं होती। ये यहाँ पर मेरी बेटी ना बड़ी हो चुकी है, मुझे समझ नहीं आ रहा ये इतनी जिद्दी क्यों हो गई, बिना नेल पॉलिश दिला दी। अच्छा, इसने ना जिद करके नेल पॉलिश निकाली, चूड़ियाँ निकाली, मेकअप निकाला, मैं इतना परेशान। अच्छा, इसको इसने इतनी जिद करी नेल पॉलिश की, मुझे भी नेल पॉलिश याद आ गई कि वो मैं तो ब्लू सूट पहन रही हूँ, मैं भी लगा लेती हूँ। तो लेकिन ना पहले तो इसने जिद कर ली, इसने इतनी ज्यादा जिद करी कि मैं क्या बताऊँ। और रात का ना 11:30 बजे यहाँ पे, और यहाँ पर ज़्यादा रोती तो फिर लोग कहते हैं कि बहुत शोर मचाते हैं ये लोग, तो इसलिए मुझे इसे चुप भी कराना था, तो मुझे लगाना पड़ गया इसको नेल पॉलिश। और यहाँ पर मैं अपने फ्रेंड के लिए ये लेकर जा रही हूँ, मैंने इंडिया से मंगाए थे, तो ये मैं उनके लिए लेकर जा रही हूँ, क्योंकि उनकी बच्ची हुई तो उनको भी थोड़ा कुछ गिफ्ट बनता है, तो उनके लिए मैं ये कड़े ले जा रही हूँ, और बच्ची के लिए मैं कल सुबह जाकर शॉपिंग करूँगी वहाँ पर, और उधर से ही मैं उनके घर चली जाऊँगी। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बाय, ठीक।